भैया इमली की कहानी जो है ना टोटली भटक चुकी है। वो क्या है कि सीरियल में जब जिसका मन करता है उठ के चला जाता है, जब जिसका मन करता है लौट कर वापस आ जाता है। इन शॉर्ट देखने वाले का दिमाग का दही हो चुका है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि कहानी को वापस लाना ही पड़ेगा। देखिए बनाने वालों से हाथ जोड़कर निवेदन है, भटकी हुई कहानी को राह पर ले आइए, कहीं ये ना हो कि देखने वाले ही भटक जाए। मुझे ऐसा लगने लगा है कि आदि और मालिनी के बीच जो कुछ भी हो रहा है इमली। देखिए देखिए इमली को, वो पहुंच गई है त्रिपाठी निवास। इमली को यूं घर में देखकर मालिनी सहित सबके सब चौंक गए कि भाई आखिर इमली यहाँ पर दोबारा क्यों आ गई है। घर वालों के लिए अब इमली बदल गई है। ये वही इमली है जिसे देखकर घर वाले खुश हो जाया करते थे, लेकिन आज इमली को देखकर इन सबके चेहरे पर 12 बज गए हैं। अब इमली आई तो उसने भी कह दिया कि यहाँ पर वो छोटे बाबू से मिलने आई है, उनसे कुछ काम है। लेकिन इमली आप तो मालिनी और आदित्य बाबू के जिंदगी से बहुत दूर जाना चाहती थी ना। वैसे घर में आपको छोटे बाबू से काम है तो कॉलेज में बड़े बाबू आ जाते हैं बार बार आपसे मिलने। खैर अब तो ये सिलसिला चलते रहेगा। आप आदित्य के घर से दूर हो गई हैं तो आदित्य आपसे मिलने के लिए कोई न कोई बहाना ढूंढेगा। आप दोनों के चक्कर में मालिनी की जिंदगी में भी अब कुछ नहीं बचा। वो और आदित्य दूर हो गए हैं। जी वो माँ, हमने डिस्कस किया था, इस बार पॉसिबल नहीं है, हम नहीं जा पाएंगे। एक्चुअली काम का बहुत प्रेशर है और छुट्टियां भी बहुत हो गई है ना, तो कॉलेज में भी अब लीव नहीं मिला। आई एम सॉरी निशांत, इसे रिफंड करवा लेना और आप लोग प्लीज हमें फोर्स मत कीजिए। जब हम दोनों को जाना होगा हम डिसाइड कर लेंगे। और अब न जाने इनकी शादीशुदा जिंदगी आगे कौन सा मोड़ लेगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।